Hey guys, welcome back to my channel. Bye. Hello guys, welcome back. I hope आप सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं. तो काफी टाइम बाद व्लॉगिंग कर रहे हैं. कल किया था व्लॉग और बाकी एक आज हो रहा है व्लॉग. तो अभी हम लोग कर रहे हैं पैकिंग वगैरह क्योंकि हम जा रहे हैं पंजाब. हमको करनी है थोड़ी सी शॉपिंग तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं पंजाब. और बस अभी तो इतना ज़्यादा खिलारा पड़ा हुआ है यहाँ पे, खिलारा वगैरह समेट रहे हैं और अभी पैकिंग हो रही है. और आज 10 बजे की हमारी बस है और अभी हम लोगों की पैकिंग भी नहीं हुई है. मैंने आज कपड़े धोए थे और वो कपड़े सूखे नहीं, अब हीटर के आगे हम लोग उसको सुखा रहे हैं. और यहाँ पे सच में समझ ही नहीं आ रहा है कि गर्म कपड़े लेके जाए कि ठंडे लेके जाए क्योंकि वहां पे अभी भी गर्मी है और यहाँ पे तो प्रॉपर ठंड हो चुकी है. यहाँ पे हीटर भी चल रहा है, सब कुछ है. तो अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो गया है. थोड़ा बहुत पैक कर लिया है, थोड़ा बहुत रहता है. तो गाइस हम जल्दी जल्दी रेडी हो रहे हैं. पहले बोला कि 10:15 बस आएगी और अब उनका कॉल आ गया कि 10 बजे आ जाओ और अभी 9:50 हो चुके हैं. हम लोग घर में ही अभी गाड़ी पहनो क्या, ये बोल रही अभी पहनो क्या पहनना क्या अभी तो हमारी लास्ट पैकिंग भी होनी है. यहाँ सारा खलेरा पड़ा हुआ है. चलो चलो मिलते हैं आपको फिर, ठीक है? मेरा फोन. तो गाइस बस हम निकल रहे हैं, बहुत जल्दी में है. हड़बड़ी में ना मेरे को ऐसा लगा कि हम कुछ भूल रहे हैं, पर मुझे नहीं पता भूल क्या रहे हैं. अब जो होगा देखी जाएगी, भगवान का नाम लेके चलते हैं. तो मत्था टेक ले, बाय बाबा जी. हट तू, टाइम होना था, छोड़ दिया था इसको. वही रोड है जो डूब गया था यार. बहुत रोड खराब है ये. चलो फिर भी गाड़ी वोड़ी चलने की कंडीशन में होगा. पहले तो बिल्कुल भी रास्ता नहीं था, वहां घर घर तक था पूरा पानी. अब प्लेन रोड है. तो बस आ चुकी है, अब बस हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं और आपको मिलते हैं वहीं जाके. वहीं जाके मिलते हैं. ये देखो गाइस फ्लेवर का नाम है टोमची फ्लेवर. मुझे तो पहले पता नहीं लग रहा था ये कौन सा है, फिर मैंने इसका ना ये देखा यहाँ पे टोमेटो और चिली बना था. मैंने इससे पहचाना है कि ये टोमेटो प्लस चिली तब बना ये टोमची फ्लेवर. और ये लीज यहाँ पे 30 रुपीज़ का, मतलब यहाँ देखो भाई लूट मचा के रखी है. हम लोग यहाँ पे रुके थे खाना खाने और वेस्ट ऑफ मनी था, पूरा पूरा वेस्ट ऑफ मनी था. क्योंकि हम लोग पिछली बार भी यहाँ पे रुके थे, हमने परांठा खाया था तो परांठा ठीक ठीक था. इस बार हमने सोचा कि चलो सैंडविच मंगा लेते, खाने का कुछ मन नहीं था तो हमने सैंडविच मंगाया. सैंडविच खाया, वो तो इतना बेकार, महा बेकार सैंडविच आया. मतलब 120 रुपीज़ था सैंडविच का प्राइस, उसमें आप सिर्फ 2 पीस मिल रहे थे सैंडविच के और उसमें वो भी प्रॉपर ब्रेड, ब्रेड के अंदर आपको मेयो लगी और बीच में या तो इसको आया एक टमाटो का पीस और मुझे आया एक खीरे का पीस बस, और कुछ भी नहीं. और मतलब इतना क्या बताऊँ, इतना बेकार एक्सपीरियंस. तो इतना पैसा कमा रहे हैं ये लोग, बट जो चीज़ें हैं वो बहुत बेकार. सारी वॉल्वो बसेस यहीं पे आके खड़ी हुई थी. इतना पैसा कमा रहे हैं बट क्वालिटी अच्छी नहीं है. तो मेरे लिए वेस्ट ऑफ मनी रहा और ना ही टेस्ट अच्छा. मिलता है आपको वहीं जाके. अभी देखते हैं नींद आएगी तो हम लोग सो जाएंगे आराम से. गुड नाइट. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आजा माची को ला जा. कौन है? नींद में है.
कुछ हो गया मच्छी, कुछ हो गया। जा मच्छी खोल, जा मच्छी खोल। छोटी मच्छी आ गई, आ गई, आ गई। तो गाइस हम यहाँ पे आते ही फुल स्लीव स्वेटर से सीधे पहुँच चुके हैं हाफ स्लीव्स कपड़ों में, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है। ज़्यादा भी नहीं, पता नहीं, अभी तो हमको लग रही है ज़्यादा गर्मी, देखते हैं दिन को कितनी ज़्यादा गर्मी होगी। और वहाँ पे हम लोग स्वेटर पहने हुए थे और हीटर चला हुआ था, और यहाँ पर आते ही हाफ कपड़ों में। और अब सुबह के 7 बज चुके हैं और अब हम लोग सोएंगे, और बाहर बिल्कुल चानन हमारे लैंग्वेज में चानन हो चुका है, बाहर बिल्कुल रोशनी हो चुकी है। दिन को तो शायद यहाँ पे पंखे की नीड भी है, आई थिंक सो। बट आज शायद हम लोग शायद नहीं, आज हम लोग अवॉइड ही करेंगे फैन वगैरह, क्योंकि एकदम गर्म ठंडा सर्द हो जाता है। सर्द क्या हो गया, नीड नींद बहुत ज्यादा नींद की जरूरत है। मैं तो पूरे रास्ते सो के ही नहीं आई, बहुत अनकंफर्टेबल सीट थी उस वॉल्वो की, मेरी गर्दन अकड़ गई। वैसे वॉल्वो वगैरह में कहाँ नींद आती है, अनकंफर्टेबल ही रहता है। जितना बंदा बेड पे कंफर्टेबल रहता है उस पे नहीं हो पाता। मेरी तो सीट ही बहुत बेकार थी, ना बैक लाइन हो रही थी ना कुछ। बाहर अब रोशनी हो चुकी है और अब हम लोग सोएंगे। गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो आप सब? ओए रोटी खाएगा घर में? बोला प्लेन प्लेन आ गया, जो छोटे बच्चे नहीं खाते प्लेन है। चाचू ने कहा चलो निक्कू पार्क ला जाओ सारे। यहाँ से खुलेगा, ये फट गया मेरे से। क्या है ये? अच्छे बेबी है, मैंगो है। तो मैंगो नहीं है, जापानी घर में। शाम हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं अब बाजार मार्केट। कितने बज चुके हैं? 5-6। कितने बज चुके हैं? 5:30 हो गए शायद, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब हम 5 मतलब 5 बज चुके हैं, तो अब हम लोग जाएंगे थोड़ा सा देखते हैं, एक्सप्लोर करेंगे, शॉपिंग करेंगे, जो हमने सामान लेना है। सारा दिन हमने ऐसे निकाल दिया आज, बस अभी हम लोग निकल रहे हैं शॉपिंग करते हैं। जितना हमें मिलेगा उतना हम लोग करेंगे। तो आपको लगा था धूप होगी, पर मौसम बिल्कुल ठीक हो चुका है, अब हम जा सकते हैं। हाँ, अब मौसम अच्छा हो गया, अब हम निकल सकते हैं घर से बाहर। कल करवा चौथ है तो शायद भीड़ बहुत ज़्यादा होगी मार्केट में, तो पता नहीं फ़ोन निकालूँ ना निकालूँ, देखते हैं। ये सब कुछ पहले हो चुका है, मुंडी मुंडी में मत मारे। गलियों में घुस घुस के हम लोग आए हैं, और इतनी मुश्किल से हम एक शॉप में पहुंचे, पता नहीं कहाँ कहाँ से थी जो हमको निकाल के लाए हैं। हाँ, एक शॉप में हम लोग आए थे बट हमें पसंद नहीं आया कुछ, जैसा हमें चाहिए वैसा हमें आर्टिकल्स मिल ही नहीं रहे हैं अभी यहाँ पे, कुछ ऐसे ही कॉमन ही मिल रहा है। देखते हैं कहाँ मिलता है, अभी तो फिर जाएंगे। पहले कुछ अलग ही रिचुअल शॉप का, शूज उतारने पड़ रहे हैं। ओह माय गॉड, अभी सिलेक्शन हो रही है सूट्स की, पता नहीं कौन सा पसंद आएगा, एंड में दिखाएंगे आपको कौन सा पसंद किया। 2-4 सूट अभी साइड में रखवाए हैं। यहाँ कलेक्शन अच्छी मिल गई हमको, जैसे हमको चाहिए वैसी कलेक्शन मिल गई। कुछ इधर का कांसेप्ट दिखा दो अपने फोन पे, मेरा उन्होंने दुपट्टा थोड़ा स्टाइलिश है। हां कांसेप्ट दिखा, हां देखो। तो अभी हम खा रहे हैं आइसक्रीम,
फुल चॉकलेट ठंडी है, आइसक्रीम ठंडी होती है हमारे ठंडे शहर से है। कुल्लू वाले आ गए आइसक्रीम खा रहे हैं। तो अभी हम लोग आके बैठे हैं चीजों की शॉप में, जो कि खुद की इनकी रेडीमेड की शॉप है। तो वहाँ से आके एक सूट मैंने लिया, दो सूट अंश के लिए लिए, तो बाकी घर जाके नहीं अभी नहीं दिखाएंगे, मैरिज टाइम दिखाएंगे पूरा रेडी होके। एक सूट मैंने लिया है, दो इसने लिया है, फिर उसके बाद हमने की जाएगी थोड़ी बहुत परसी लास्ट सूट के सारा मैरिज टाइम मिलेगा। सारा सामान लेके चली है, सारा सामान लेके। अब तो सामान बड़ी जल्दी ढोए जा रहा है तेरे से। इसको कुछ बोल दो ना कि सामान उठा ले, सामान नहीं उठा जाता। तो रात के 12:30 हो रहे हैं और इन दोनों के काम देखो, वो तो वो साथ में ये भी मिली हुई है बीच में। आज का दिन यहीं पे खत्म होता है, आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।